हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स नव अभी शॉप में आप लोग का फिर से स्वागत है। और आप लोग देख रहे होंगे बहुत कुछ उल्टा सीधा फैल रहा है समय ऑनलाइन यूट्यूब पे। देखिए दोस्तों, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं अगर लोगों के बारे में बोलता हूँ या किसी की गलतियाँ बताता हूँ तो भी मैं गलत लैंग्वेज यूज़ नहीं करता हूँ। ठीक है, मेरी एक पर्सनैलिटी है और मेरी एक अपना खुद का इज्जत भी है अपनी नज़र में भी, तो मैं समझ लीजिए कैमरे के अलावा भी इस तरह की लैंग्वेज यूज़ नहीं करता और कैमरे पे तो सवाल ही नहीं उठता इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करने का। ठीक है, तो जिनकी परवरिश उस तरह की है वो यूज़ करेंगे ये लैंग्वेज। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे थोड़ी सी बहुत अफसोस होता है इस चीज़ को देख के कि जो अपने आप को उस्ताद कहते हैं या जिनको लोग उस्ताद कहते हैं उन्होंने बस बिना देखे मंजे को ऐसे ही कह दिया कि वो धागा है। आप लोग भी कहीं मंजा के जैसे कोई बताता होगा तो कोई भी ये कहता होगा मंजे को पहले छू के देख लेना। ठीक है, ख़रीदने से पहले छू के देख लेना, केवल नाम से ना ख़रीदना। तो जब छू के देखोगे तब तो आपको पता चलेगा कि धागा है या मंजा है। आपने तो ऐसे ही बोल दिया कि वो तो धागा है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आजकल के मंजे हैं वो केमिकल से बनते हैं। ठीक है, केमिकल का मंजा 1-1.5 साल बाद ख़राब हो जाता है, ये तो हर किसी को पता है, सच्चाई है। लेकिन जब आप किसी मंजा मेकर से पूछोगे मुझे जैसे पहले मंजे बनते थे देसी जड़ी बूटियों से, क्या वो मंजा टिकता है, तो वो खुद बताएगा कि मेरा मंजा खुद से 5-6 साल तो आराम से टिक सकता है। लेकिन जब एक कोई डिग्री होल्डर, जब आयुर्वेदिक डॉक्टर उस चीज़ को बनाता है, उसमें अपने मसाले लगाता है, तो वो और भी तक होल्ड कर सकता है। ठीक है, मेरे पास खुद अभी 18 साल का मंजा है, मैं अभी आपको खुद दिखाता हूँ, उसकी स्ट्रेंथ दिखाता हूँ, हर चीज़ दिखाता हूँ। तो मैंने वो मंजा देखा, इसलिए मुझे समझ में आ रहा है कि वो मंजा है। जिसने वो मंजा यूज़ किया है उसको समझ में आ रहा है मंजा क्या है, जिसने यूज़ ही नहीं किया उसको मंजा दे बात ही नहीं उस चीज़ की। और आप बैठ के दुकानदारों को एक्सपोज कर रहे हो कि जो है सीके कैट सेंटर ऐसा है, तलत खान ऐसा है, सलीम बाबू ऐसे हैं। तो दोस्तों, मेरे वीडियोस में तो करीबन 10-15 लोग के वो पड़े हुए हैं, तो सभी फ्रॉड निकले इस तरह। तो और दूसरी चीज़, अगर वो फ्रॉड थे और जो आज के इनके वीडियो में लोग आके कह रहे हैं तो वो पहले क्यों नहीं बोले। वो पहले बोलते तो जैसे आप लोग मेरे वीडियोज़ देखे होंगे, किसी को दिक्कत होती है मेरे वीडियोज़ में तो वो मुझे कमेंट करता है, मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। ठीक है, सबके साथ ये हुआ है। ठीक है, रही बात हुसैन की, जो कोलकाता के हुसैन थे, उसका मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया आपको कि उन्होंने बोला है थैंक यू वीरू जी, मेरा पैसा मिल गया है। ठीक है, वहाँ जाके वो कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ दोस्तों ये भी है कि देखिए, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी नहीं है जो नेट पे हो रही हैं, मुझे ही पता है। लेकिन मेरा मकसद केवल इतना था कहना कि भैया आपने ज़बरदस्ती किसी से मंजे के लिए रिक्वेस्ट क्यों करी कि आपको मंजा दे दे वो। ठीक है, अगर वो पीछे पड़ा था या कुछ भी था, मना कर देते उसको, लेकिन आपने उससे मंजा क्यों मांगा। मंजा मांगने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आपके मन में लालच था, या आप आज कह रहे हो कि गोल्डी उस्ताद ने कहा था। ठीक है, पहली बात तो आपको बता दें, लखनऊ में बहुत सारे फैटर ऐसे हैं जो जिनका नाम तक कोई नहीं जानता होगा, बहुत बढ़िया पतंगबाजी करते होंगे, आज वो वीडियो भी देख रहे होंगे। ठीक है, आपके पुराने लखनऊ में ऐसे ऐसे पतंगबाज हैं, और यहीं तक केवल लखनऊ में नहीं है पतंगबाज वो ऑल ओवर इंडिया में है। ठीक है, बहराइच में भी मैं मिलके आया था हामिद भाई से, वो भी बहुत बड़े पतंगबाज हैं। ठीक है, तो उस्ताद बहुत सारे हैं, लेकिन कोई भी उस्ताद इस तरह की लैंग्वेज यूज़ जो कर रहा है, जो इनकी वीडियो में उस्ताद लोग ऐसे वीडियोज़ यूज़ कर रहे हैं, तो भैया इससे अच्छा उस्ताद की उपाधि उनसे ले ली जाए। क्योंकि जो जिनको देख के लोग बेस सीख रहे हैं, उनको देख के गाली भी देना सीखेंगे। ठीक है, जैसे इसने सीखी है, ये भी गाली दे रहा है, जो ये भी उन्हीं लोग के मिलावट में है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो ये गंदी चीज़ें बोल रहे हैं ना कि ये कर देंगे वो कर देंगे, देखिए जिसको करना होता वो कर लेता, बोलता नहीं है। ठीक है, आप बोलो जो अच्छी बात है, बोलो जो तुम्हारा मुंह दिया है भगवान ने करो। ठीक है, दूसरी चीज़, पैरा ओलंपिक में इन्होंने गाना गाया। ठीक है, गूगल सर्च मार लो, पैरा ओलंपिक का थीम सॉन्ग संजीव सिंह ने गाया है, जो कि लखनऊ की दिव्यांग क्रिकेट टीम है। ठीक है, दिव्यांग वर्ड समझते हो ना आप, दिव्यांग वर्ड होता है हैंडीकैप। ठीक है, तो आप उस चीज़ को चेक करिएगा कि ये हैंडीकैप है, इसलिए इनसे ये वाला पैरा ओलंपिक जो ओलंपिक हुआ था वो भी हैंडीकैप लोग थे उनसे हुआ था, कुछ ना कुछ किसी ना किसी के फिजिकल प्रॉब्लम थी, इसलिए वो सॉन्ग भी इनसे करवाया गया। ठीक है, आपने सॉन्ग गाया, बहुत अच्छी बात है, आपने करा, ठीक है, लेकिन इसका इतना फ़ायदा ना उठाओ कि अब तुम सबसे बड़े हो गए, तुम किसी को भी गाली दे सकते हो। आप उम्रदार आदमी को वीरू करके बोल लो आप, चलिए खैर जो भी है, मुझे बस इतना कहना था कि आप लोग को अगर मायूसी हो रही है कि कोई मुझे गाली दे रहा है, तो दोस्तों देखिए, जिसकी जैसी सोच होती है, जिसकी जैसी मेंटालिटी होती है, वो वैसे ही सामने आता है।
और एक बार AKG ने भी यही चीज़ करी थी और देखिए ये भी इन्होंने भी यही चीज़ करी है। ठीक है, तो आपको कैसी पर्सनैलिटी है इनकी खुद समझ में आ गया होगा आज कि ये किस टाइप का लड़का है, किस टाइप की लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। अब आप लोग देखना चाहते हो तो देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो सभ्य लोग थे वो तो मुझे आके मैसेज कर रहे हैं कि भैया मुझे पता ही नहीं था इतना गंदा लड़का है, ये इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ करता है। तो चलिए अच्छी बात है, इन्जॉय करिए नवाबी शौक। और भैया मैं मेरा कोशिश यही रहती है कि ऑनलाइन जो लोग नहीं परचेज़ कर पाते वो परचेज़ करें। ठीक है, बाकी आप लोग की मर्ज़ी है। अगर आप लोग देख के आप लोग को लगता है कि गलत लोग से जुड़े हुए हो तो ठीक है, आपकी मर्ज़ी, मेरी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रही मंजे की बात, तो चलिए मैं आप लोग को मंजा एक बार दिखाता हूँ कि कैसा है वो मंजा। ये है वो मंजा जिसकी जो कि 2003 का है। ठीक है, और ये देखिए इसकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, मैं अभी कोशिश करता हूँ पतंग उड़ा के दिखाता हूँ आपको। आज की हवा है, आज जो हवा चल रही है वो लगभग 24-26 की हवा चल रही है। मैं अभी आपको इस डोर से पतंग उड़ा के दिखाता हूँ। ठीक है, दोस्तों ये है पौनी पतंग और ये है मंजा जो कि है 18 साल पुराना, 2003 का मंजा है वाहिद मियाँ का। ठीक है, और ये है वीरू भाई के यहाँ का, जिसको कहा जा रहा है आज की डेट में धागा है। आज की हवा की स्पीड है 24। ठीक है, तो 24 में ये धागे से पतंग उड़ा के देखते हैं। ठीक है, और मुझे एक क्वेश्चन है उन लोग से जिनको लोग बहुत मतलब ऊंचा दर्जा देते हैं और उस्ताद समझते हैं और जो भी है। तो पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी उस्ताद होगा तो वो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करेगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा बहुत बड़ा प्लेयर होगा जो बिना मंजे को चेक किए बता दे कि वो ख़राब है कि असली है। तो ये मंजा जो कि 18 साल पुराना है, क्या किसी जो उस्ताद ने इनकी वीडियो में जिन्होंने गाली दी है सब करा है, तो क्या इन किसी भी उस्ताद ने ये मंजा छुआ था, ये मंजा देखा आपने, चेक किया कि ये मंजा है कि धागा है? तो आपने से ऐसे ही बोल दिया ना। तो चलिए धागे को चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मुझे सही से दिख भी नहीं रहा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मेरा हाथ देखिए कहीं कुछ कटा वटा तो नहीं है। ठीक है, कि अब मैं जा रहा हूँ इसको खींचने, देख लीजिए, दिख रहा है?
के सामने खींची है, पूरी पतंग खींच के उतारी है। 18 साल पुराना बन जाए दोस्तों, ये देख रहे हैं 18 साल पुराना। ये देखिए, पहले हाथ दिखाया था ना आपको, अब देखिए कटा है, ये कटा है हाथ। मंजे की धार पता चली आपको? मैं गाली दे के नहीं बताता वीडियो में असलियत क्या। मैं वो कुत्ता नहीं हूँ जो भौंकता है, ठीक है। आपने, आपको एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान रखिएगा, आप लोग ने देखा भी होगा, देसी कुत्ता होता है वो बहुत भौंकता है। पोमेलियन ब्रीड जो होती है वो बहुत भौंकती है। वो इसलिए भौंकती है क्योंकि वो काट नहीं सकती है, ठीक है। तो वो भौंकती है कि तुम डर जाओ। और कभी आपने रॉटविलर, पिटबुल, और रॉटविलर, पिटबुल आप कहो, और जो डॉबरमैन, इस तरह की ब्रीड देखिए, ये चुप रहती है। शेर को देखा है, चुप रहता है और अटैक करता है। तो चुप रह के अटैक करना होती है दिमाग, क्योंकि वो डरते नहीं हैं किसी से, समझे। जो डरते नहीं हैं वो गाली नहीं देते हैं, वो अपनी चीज़ दिखाते हैं। ये देखिए, ये मैंने दिखाया आपको 18 साल पुराना। ये देखिए, एक ही दिख रहा था ना कटा हुआ, देखिए दूसरे से खून मैंने लगा। देखिए सबूत, ये होता है सबूत दोस्तों। मैंने किसी को गाली नहीं दी, किसी को कुछ नहीं कहा। और वो उस्ताद जो उस वीडियो में गाली दे रहे थे, भैया आपको देख के पतंगबाजी सीख रहे हैं लोग, आपको देख के गाली देना भी सीख लेंगे। तो अपनी, कम से कम अपनी तो अपनी मानवता जिंदा रखिए, दूसरे को छोड़ दीजिए। ये तो पागल है, ये तो कुछ अजीब ही टाइप का चल रहा है। देख लिया 18 साल पुरानी डोर को मैंने दिखाया आपको। ये होता है वीडियो दिखाने का तरीका। आपके 2 घंटे में 6000 व्यूज़ होने से मतलब नहीं है कि आप जीत गए, ठीक है। आपको कितने लोगों ने समझा, कितने लोगों ने प्रेज़ किया, कितने लोगों ने आपका पूरा वीडियो देखा। आप जिस हिसाब से गाली दे रहे हो अपने वीडियो में, कोई पूरा देख ही नहीं रहा है, समझे। ध्यान दीजिए इस चीज़ को और समझिए। आप एक, आप अपने आप को कह रहे हो, पहला पैरा ओलंपिक थीम सॉन्ग आया आपने, ये जो वीडियो आपने डाला है ना यूट्यूब पे, जिसमें आपने गाली दी है, अनुराग ठाकुर अगर देख लेगा ना आपको, आपसे माफ़ी मांगेगा। वो कहेगा मुझसे गलती हो गई कि मैंने इस आदमी को गाना गवाया, समझे। तो गाना गाओ अच्छी बात है, सिंगर बनो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले दिन में ही अपने आप को सोनू निगम और अनु मलिक ना समझ लो। इतना इतना घमंड होना, चूर होने में बहुत समय नहीं लगता है, ठीक है। रही बात मेरी, मैंने आपको 18 साल का मंजा दिखा दिया, पतंग खींच के दिखा दी, ठीक है। जो कहते हैं ना, आज की हवा चेक कर लीजिएगा, आज ही वीडियो डाल रहा हूँ, आज की हवा देख लीजिएगा। आपने खुद देखा था, मैं खींच नहीं रहा था तब भी फड़फड़ फड़फड़ कर रही थी पतंग, ठीक है। खींच के दिखाया, उतार के दिखाया, 24 की हवा चल रही है। ये है वीरू भाई, समझे।